और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट निकल के आ रही है, वीवीपैट मामले पर सुनवाई जारी है। जी हाँ, पूरी खबर अभी की जानेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और वीवीपैट मामले से संबंधित पूरी खबर जानने के लिए साथ में बने रहिए। तो दूसरी तरफ लगातार यहाँ पे राहुल गांधी हमलावर हैं बीजेपी पर, क्या कुछ मामला है आगे जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट आ रही है। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई शुरू हुई उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में डाल सके। अभी वीवीपैट में सिर्फ लाइट जलती है और 4 से 5 सेकंड के लिए स्लिप दिखाई देती है। वहीं जिस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि वोटर के निष्ठा का क्या होगा, इससे तो पता चल जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है। तो जो एडवोकेट यहाँ पे याचिकाकर्ताओं की ओर पेश थे उन्होंने कहा वोटर की निष्ठा से अधिक जरूरी है उसके मत देने का अधिकार। जी हाँ, वहीं सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण भी मौजूद रहे और सुझाव दिया कि कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वीवीपैट वाले बॉक्स की लाइट हमेशा जलती रहे। भूषण ने तर्क दिया कि इससे वोटर यह देख सकेगा कि कब स्लिप कट रही है और कैसे ड्रॉप हो रही है बॉक्स में और कहां जा रही है, इससे वोटर की प्राइवेसी भी प्रभावित नहीं होगी। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मशीन में पाई गई अनियमितता का जिक्र भी किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान एक एक अतिरिक्त वोट बीजेपी के पक्ष में गया था। देख सकते हैं ये तर्क दिए गए हैं प्रशांत भूषण की ओर से, और इस व्यवस्था को जो उन्होंने बताई है उसे लागू करने की भी अपील की है सुप्रीम कोर्ट से। ताजा अपडेट आ रही है अभी अभी की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे चुनाव आयोग से सवाल करना भी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मॉक पोल के दौरान भाजपा के लिए अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए थे, आखिर इसमें उसका क्या कुछ कहना है। प्रशांत भूषण और अन्य वकील सुप्रीम कोर्ट में तमाम तार्किक दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस खन्ना मौजूदा वोटिंग सिस्टम के आधार पर चुनाव आयोग से कई यहां पे सवाल भी पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग फिर बैकफुट पर है और कई खामियां स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जस्टिस खन्ना तमाम सबूतों और बयानों के बावजूद सिस्टम में 100% वीवीपैट की पर्ची लाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ये फिलहाल इस समय की बड़ी खबर। दूसरी तरफ कोर्ट ने भी स्पष्ट टिप्पणी कर दी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की आशंका नहीं रहनी चाहिए कि उसमें कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यह प्रक्रिया यहाँ पर स्वतंत्र और पवित्र होनी चाहिए। देख सकते हैं ये भी कड़ी टिप्पणी की है। बताते चले कल प्रथम चरण का मतदान है, उससे पहले ये सुनवाई लगातार जारी है। कई सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देते नहीं बने, खामियां स्वीकार की, लेकिन यहाँ पे ये ताजा अपडेट फिलहाल निकल के आई है, अभी भी सुनवाई जारी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर दिखे, प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर रहे। जी हाँ, सीएम रेवंत रेड्डी बोले राहुल गांधी होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं जो इन्हें हटाने से वहां डर रहे हैं, आखिर बात क्या है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इससे पहले भी कह चुके हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और एक टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने बात दोहराई थी कि एनडीए इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। #NoVoteForBJP यहां पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जब से बयान दिया है तब से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अगर आप भी सहमत हैं तेलंगाना सीएम की बातों से तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। कर्नाटक से मेगा ग्राउंड सर्वे आ रहा है सामने निकल के। कर्नाटक का जो सर्वे सामने निकल के आ रहा है उसमें यहाँ पे कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बातें भी सच होती दिख रही हैं। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 से 22 सीटों पर बढ़त बनाया है, ये संभावित आंकड़ा बताया जा रहा है। बीजेपी 6 से 9 सीटें जीत सकती है। इस बार बीजेपी का सफाया दक्षिण से तय माना जा रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर बढ़त बनाती जा रही है।
ये ग्राउंड जीरो से सर्वे किया गया है। ताजा आंकड़े हैं, ताजा रिपोर्ट है, 16 से 22 सीटें कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। स्पष्ट है बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में, यहाँ पे इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। सभी की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 39 सीटें, और बीजेपी शून्य पे दिखाई दे रही है। ये सर्वे पहले निकल के आया था, अब कर्नाटक का सर्वे भी ठीक उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण के मामले में भी ताजा अपडेट आ गई है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पे आदेश टाल दिया है। ऐसा तब हुआ जब ब्रजभूषण ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए आगे की दलीलें देने के लिए नया आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि घटना की तारीख पर वह भारत में नहीं थे। देख सकते हैं, आज आदेश आने वाला था ब्रजभूषण पे, लेकिन नहीं आया, और इसके लिए अब यहाँ पे आगे की तारीख तय की जाएगी। जो भी अपडेट होगी आप तक तो पहुंचाएंगे। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आखिर कोर्ट में केंद्र सरकार को भी करनी पड़ गई है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम रहे नरसिम्हा राव की तारीफ। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया। आपको बताते चलें क्या कुछ मामला है। केंद्र ने कोर्ट में पूर्व पीएम राव और मनमोहन सिंह की तारीफ की, कहा लाइसेंस राज से इन्होंने मुक्ति दिलाई। बताते चलें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ को सूचित किया कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन यहाँ पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने यहाँ पे इन कानूनों को काफी उदार बनाया। आर्थिक सुधारों ने कंपनी कानून और व्यापार व्यवहार अधिनियम सहित कई कानूनों को उदार बनाने में सहायक भूमिका निभाई। देख सकते हैं, केंद्र ने तारीफ की है यहाँ पे कांग्रेस सरकार की सुप्रीम कोर्ट में। एक और अपडेट आ रही है, सुप्रीमो लालू यादव ने जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर। बोले, जिस संविधान ने आरक्षण दिया वह खतरे में है, हमें बीजेपी को सबक सिखाना होगा। लालू यादव का बड़ा बयान। RJD प्रमुख लालू यादव ने यहाँ पे आरोप लगाए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए जिस संविधान ने वंचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उसे मिटाने और खत्म करने की बीजेपी RSS द्वारा अब कोशिश की जा रही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। इस सीट का उन्होंने कई बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी किया है और इस बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रही। उन्हीं के लिए चुनावी प्रचार में पहुंचे थे लालू यादव, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जोरदार आरोप लगाया कि इसीलिए बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, जिससे कि आसानी से 2/3 बहुमत हासिल करके वह संविधान बदल सके, उससे छेड़छाड़ कर सके। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।